नमस्कार, ओम शांति। अन्नपूर्णा रसोई में मित्रों आपका एक बार फिर से स्वागत है। अलग अलग रेसिपी जानने से पहले जो हम चीज बना रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और आपके घर में आए हुए मेहमान के लिए कितना लाभदायक है। रेसिपी बनाना सब जानते हैं अलग अलग तरह से, एक ही तरह की रेसिपी हम कई प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन उसमें कितनी मात्रा की सामग्री डलती है ये कोई कोई ही जानता है। ये वही जान सकता है जिससे उसे बनाने का काफी तरह से अभ्यास हो। आज हमारे इस कार्यक्रम में, पहले भी इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं और उन्होंने कई तरह की रेसिपी आपको बनाकर खिलाई हुई है, मतलब बताई हुई है। आज वो क्या रेसिपी बना के दिखाना चाहते हैं ये हम उनसे ही जानते हैं। वो राजस्थान माउंट आबू हेडक्वार्टर में पिछले 30 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, वो भी किचन में 3 प्रकार का भोजन बनाते हैं, एक बार फिर से आपको बता रही हूँ। आज वो क्या बनाने वाले हैं हम उनके मुख द्वारा और उनके हाथों के द्वारा बनाई हुई सामग्री को जानने की कोशिश करते हैं। आइए उनका इस अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत करते हैं। बालू भाई जी, आपका अन्नपूर्णा रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने कई हमारे इस कार्यक्रम में आके कई रेसिपी बनाई और जहां तक मैं बात करूं उन रेसिपी की, हमारे दर्शकों को काफी अच्छी लगी और मुझे भी काफी अच्छी लगी, और वो इसलिए क्योंकि आपने वो जो भी रेसिपी बनाई उस रेसिपी की सामग्री आपने माप तोल के बताई। हाँ जी। आज आप हमारे इस अन्नपूर्णा रसोई में क्या सामग्री बना के लेके आए हैं और क्या रेसिपी बनाना चाहते हैं? आज हम अपने दर्शकों को बहुत अच्छी डिश बना रहे हैं जी, और वो है पालक पनीर जी। पनीर में भी बहुत वैरायटी तरीके से पनीर की सब्जी आप लोग भी बनाते होंगे जी। टमाटर पनीर भी बनता है, मटर पनीर भी बनता है, शाही पनीर भी बनता है, तो ये सारे पनीर भी कितने प्रकार से बनता है वो भी हम बनाएंगे जी, जी, लेकिन जी। आज हम पालक पनीर बना रहे हैं जी। तो पालक पनीर में, पालक पनीर के लिए आप लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं जी कि हम लोगों ने सामग्री लिया है, पालक को ही पीस के लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पालक को जब आप मार्केट से लाते हैं तो अच्छी तरह से 2-3 बार धुलाई करके उसको गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल करेंगे और उसके बाद उसको हैंड मिक्सी से बॉईल करेंगे। हैंड मिक्सर में भी डाल सकते हैं, इस मिक्सर में भी आप लोग डाल सकते हैं जी। उसके बाद हमने यहाँ टमाटर की ग्रेवी बना के रखी हुई है जी। मिर्ची है, अदरक है और हरा धनिया है जी। और उसके बाद जो डेली रसोई में जो मसाले यूज होते हैं वो मसाले हमने यहाँ रखे हुए हैं। अभी हमने यहाँ पनीर फाड़ के रखा हुआ है जी। लोग प्रायः घरों में जब दूध फाड़ते हैं तो वो दूध किस क्वालिटी का होता है उसका पता नहीं होता है, उसमें अगर पानी ज्यादा होता है तो अच्छी तरह से पनीर नहीं बनता है। तो आजकल लोग मार्केट में से भी पनीर को लेके आते हैं, ऐसा रेडीमेड मिलता है, लेकिन हमने ये अपने घर में यहाँ खुद अपने आप बनाया हमने बना हुआ है जी, जी। उसमें हम एक दिन आप लोगों को पनीर भी कैसा फाड़ना है वो भी दिखा देंगे, बताएंगे, बहुत अच्छी बात। तो आज हम आप लोगों को पनीर को हल्का सा फ्राई करके बनाएंगे, जिसको आप दो तरह कैसे बना सकते हैं। ताजा अगर पनीर है तो उसको काट के आपकी ग्रेवी बनने के बाद डायरेक्ट भी डाल सकते हैं जी। दूसरा, टेस्ट थोड़ी सी और बढ़ जाती है जी। उसके लिए हम इसको काटने के बाद फ्राई करेंगे और फिर इसमें डालेंगे। तो आइए हम अभी शुरू करते हैं जी। जरूर, सबसे पहले आप क्या बनाना चाहेंगे? तो अभी सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे जी। ये इसमें तेल रखा हुआ एक बाउल के लिए जो आपने पालक उबाला हुआ है। हाँ जी। उसमें आपने कितना तेल डाला? ये अभी हमने गरम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा ज्यादा गरम हो गए तो हम बंद कर दिया है गैस को जी। तो इसमें अभी हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जैसे 2 बाउल पालक पिसा हुआ है जी, तो इसमें हम जब डालेंगे तो सिर्फ 1.5 कटोरी ही टमाटर डालेंगे जी। 2 बाउल मतलब पालक पनीर, पालक ज्यादा होना चाहिए जी, टमाटर उसे आधा हो आधा होना चाहिए जी, जी। और मिर्ची अदरक अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। तो लेकिन तेल, तेल आप 2-3 चम्मच रखो, 3 चम्मच आप तेल रखो जी।
तो जैसे ये गरम हुआ था जी, तो मेरे ख्याल से ये गरम होगा अभी जी। तो हम जीरा इसमें एक चौथाई ऐसा, हाँ, इसमें हम जीरा डाल दिया आधा चम्मच इतना जी। उसके बाद हम हींग डाल रहे हैं इसके अंदर जी जी। उसके बाद हम अदरक, अदरक डालेंगे। अदरक का टेस्ट ही अलग होता है। हाँ, अदरक का टेस्ट अलग होता है। आधा चम्मच हमने लगभग अदरक डाल दिया। ठीक है, मतलब मैक्सिमम दो चम्मच आप। हाँ, दो चम्मच समझो मिर्ची जी, जी। अभी वो आपको देखना है कि कई बार मिर्ची बारीक जो मिर्ची आती है मार्केट से वो जरा तीखी होती है, तो उस अनुसार आप उसको डालेंगे। तो जैसे ये हम लोगों ने आपके सामने सब चीजें डाल दिया जी, आप साथ चलेंगे जी, जी, जी। तो इसको बारीक बारीक पीस हम लोग करेंगे। वैसे यहाँ दोनों साथ साथ चलेगा, मसाले की ग्रेवी बनेगी। इस तरह के हम पीस बनाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं जी, इस तरह के हमें पीस बनाने हैं। अगर दूध आपके पास गाढ़ा है जी, तो कम से कम 10 लीटर दूध में एक 1.5 किलो पनीर जी बन जाता है, 2 किलो तक बनता है दूध अगर अच्छा प्योर हो। अभी हम यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर टमाटर की ग्रेवी डालेंगे। सबसे पहले ये आपने पूरी एक कटोरी, पूरा एक कटोरी मुझे इसमें डाल दिया है। मैं अपना काम कंटिन्यू करती रही। हाँ जी, आप करती रही, थोड़ा सा और मैं टमाटर इसमें डाल रहा हूँ 1.5 कटोरी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करेंगे, इसको साथ साथ इधर तलेंगे भी, ताकि हमारी जो ये बनने तक पनीर भी तलना हो जाएगा जी। इसमें अगर आप लोगों को कम तेल का चाहिए, हमने वैसे तेल कम ही रखा है, और आपने रेसिपी में आपने देखा होगा कि हम तेल का कम मात्रा में ही प्रयोग करते हैं जी। तेल वैसे भी शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है और काफी नुकसानकारक होते हैं जी, जी। इसके अंदर हम अभी हल्दी डालेंगे जी सब्जी के अंदर, क्योंकि हल्दी भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो भी एक आधा चम्मच। और हल्दी शरीर के लिए सबसे फायदेमंद होती है। हाँ, अक्सर देखा गया है कि दूध में डालकर लोग उबाल कर रात को पीते भी है, और जैसे एंटीबायोटिक कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो उसका रोग प्रतिकारक क्षमता ये बढ़ाती है, इसलिए लोग हल्दी का ज्यादा प्रयोग करते हैं। और हमारे सब्जियों में भी इसमें हमने बाद में इसलिए डाला कि उसका कलर बना रहेगा। अगर तेल में आप डाल देते हैं हल्दी को तो वो जल जाती है, काली हो जाती है। अच्छा, इसलिए हमने इसको बाद में डाला हुआ है। अभी आप ये देख रहे हैं, इसको हम हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, ब्राउन कलर जो आएगा ऐसा फ्राई करेंगे। अच्छा, आपने काट दिया जी, बहुत बढ़िया पीस कर दिया है। आप चाहे तो इससे भी बारीक कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, मतलब कॉमन साइज है जी, इतने साइज ठीक है। धन्यवाद। ये देखिए आप, ये ब्राउन कलर हो गया, इसी तरह का कलर आप वैसे देखा जाए अगर कुछ ऐसे ही इसको पालक पनीर ना बनाने से कोई ऐसी रेसिपी भी बनती है कि पनीर को फ्राई करने के बाद उसमें चाट मसाला नमक ये सब डाल के भी वो भी बनता है। फ्राई करने से पनीर में क्या फर्क आता है? जितना फ्राई करेंगे उतनी टेस्ट अच्छी आएगी। अगर फ्राई कम करेंगे तो आपको टमाटर की टेस्ट आएगी, पनीर की नहीं आएगी। अच्छा, तो अभी नमक नहीं डाला था हमने, इसमें एक नमक डाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं जी जी जी। उसको थोड़ा सा हिला दे रहे ना ताकि जी जी वो सब तरफ से ब्राउन हो जाए। कई बार अगर नहीं हिलाएंगे जी तो वो एक ही तरफ से कलर आ जाएगा और दूसरी तरफ कच्चा रह जाएगा। वैसे पालक पनीर ज्यादातर चपाती के साथ खाया जाता है या चावल के साथ भी? रोटी के साथ आप खाएंगे तो अच्छा है। पालक पनीर चावल के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि वो रसादार होता है, थोड़ा सा हल्का सा उसमें ढीलापन होता है, ज्यादा इसमें रसा नहीं होता है। लेकिन पालक पनीर और मेजोरिटी बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, पालक पनीर को बहुत पसंद करते हैं।
हाँ, मैं दर्शकों को कहूंगा कि आप इसको घर में ही बनाते जाइए, क्योंकि होटलों में जाएंगे तो ये बहुत महंगी महंगी डिश होती है, तो आप अगर घर में बनाएंगे तो इसकी जो टेस्ट है वो बहुत, अपने हाथ से बनी हुई जो चीज है वो अच्छी भी लगती है जी। और जैसे कहते हैं कि आजकल बाहर के जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि बाहर का भोजन खाने के लिए भी कतराते हैं, क्योंकि कई बार आपने को पता नहीं होता है, क्योंकि कई चीजों को फ्रिज में रखा जाता है, बाद में जब ग्राहक जाता है तो उसको गर्म करके दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत फ्रेश बना लिया और दिया, ये तो बाहर होता नहीं। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आपने घर में आप बनाइए। अभी आप देख रहे हैं इसमें कि अभी इसने ये पक गया है, जैसे आपने कहा ना, आपका ये भी, ये भी हो गया है, पक गया है, उसको आप निकाल सकते हैं उससे। वो पालक आपका दो बाउल है वो पूरा डाल देंगे। हाँ जी, ये पूरा हम पालक इसमें डाल देंगे। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि दर्शकों के मुंह में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पानी आना शुरू हो गया है, क्यों? अभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई है, अभी ये साथ साथ हो रहा है, ये भी पक रहा है और वो भी। अभी हम इसको अच्छी तरह से उबालेंगे जी। पूरा उबालने के बाद, और इसमें एक ध्यान रखना है कि पालक में थोड़ा सा नमक रहता है, तो पालक के अंदर इस सब्जी में नमक डालते समय थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ओरिजिनली पालक के अंदर नमक ज्यादा रहता है। ओके, अच्छा। हाँ, पालक में नमक होता है, इसलिए इसमें डालते समय ज्यादा नमक न डाले, नहीं तो ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा नमक की मात्रा कम रखना। इसमें अगर आपको दो दिन कहीं बाहर जर्नी के लिए जाना है तो उस समय टमाटर की ग्रेवी बन के बहुत अच्छी तरह से भून के ऐसा ही पनीर को फ्राई करके आप उसमें डाल सकते हैं, तो वो आपको दो दिन आप उसको चला सकते हैं। कहीं बाहर जर्नी के लिए जाना है तो इसको जैसा फ्राई किया हुआ ऐसा टमाटर की ग्रेवी में सिर्फ अच्छी तरह से चटनी बना के उसमें भी फ्राई करके आप लोग लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग डिश बना रहे हैं ये आपको तुरंत खाने के लिए, घर में जैसा भोजन भोजन पर आप बैठते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से इसको भून रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा गरम मसाला डालना है तो आप थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं, तो इसमें मिक्स हो जाएगा तो थोड़ी टेस्ट अच्छी आएगी। और जैसे मैंने पहले आप लोगों को कहा कि लाल मिर्ची का प्रयोग अगर आप कम करें तो बहुत अच्छा है। इसमें एक होता है कि ऐसी एक मिर्ची, लाल मिर्ची भी मिलती है कि जो कलर वाली होती है, वो तीखी नहीं होती है, उसका भले आप प्रयोग कर सकते हैं। लाल मिर्ची में भी उसका कलर लाल होता है जी, कलर आने के लिए उसको आप डाल सकते हैं। मतलब लाल मिर्ची में भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, तो उसका सिर्फ कलर एक तीखी नहीं होती है लेकिन उसका कलर लाल आ जाता है। जी जी जी। अभी ये भी ब्राउन हो गया जी। अभी इतना पनीर इसके लिए काफी हो जाएगा, तो ये हम इसको छोड़ देंगे जी। आप डायरेक्ट इसको इसमें भी डाल सकते हैं क्योंकि वो भी अभी इसमें डालना है जी। अभी वो जो है उसको भी हम इसमें डाल देंगे, पहले जो हमने बनाकर तल के रखा हुआ है जी। उसको भी हम पेपर इसलिए डाला है कि ये जो तेल है जो पेपर तेल के पेपर के इसमें चिपक जाता है। अभी आप देख रहे हैं ये पालक पनीर, अगर आपको समझो ग्रेवी बनानी है जी, तो आप इसमें थोड़ा गरम पानी डाल सकते हैं जी, और हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से पका देंगे, पकाना है थोड़ा सा, क्योंकि जो पनीर है उसके अंदर थोड़ा सा ये पालक चला जाएगा। हमने थोड़ा सा गरम पानी इसमें रसीली के लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा पानी पानी पकने तक वो बराबर उसमें चला जाता है, जोर से वो चला जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि नमक हम इसीलिए बराबर नहीं डालते क्योंकि पालक में नमक होता है जी, इसलिए चेक करके हम इसको नमक को फिर फाइनल करेंगे। पालक पनीर थोड़ा गर्म है, थोड़ा डालना चाहिए और ये ठीक है। आपको टेस्ट कैसी लग रही? हाँ, गर्मा है, गर्म है थोड़ा सा। Actually, पालक की टेस्ट देखिए जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर अभी आपको इसको और पकाना है जी, तो नमक
बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह और डालना है तो नमक कम है, थोड़ा सा डालना चाहिए जी। तो चलो आप थोड़ा सा नमक डाल देते हैं अपने जैसे का, बाकी गरम मसाला मिर्ची ठीक है, सब ठीक है, या आपको टेस्ट से डालना है थोड़ा जी, बस नमक। अच्छा, हो जाएगा बराबर, हो जाएगा। तो मिर्ची ठीक है जी। अच्छा, मिर्ची हम जैसे अगर चाहिए आप लोगों को, अगर चटपटा चाहिए तो जैसे मैंने कहा कि कलर के लिए लाल मिर्ची भी बाद में डाल सकते हैं जी। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं इसको हम थोड़ा सा पका देंगे जी। उसके बाद हम इसको डिश में डाल देंगे जी। और आपने हरा धनिया हम ऊपर से डालेंगे क्योंकि हम पालक पीसते समय थोड़ा हरा धनिया इसमें डाला टेस्ट के लिए डाला जी, हुआ जी, है। जी, 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 जी। तो वो डिश जैसे सजाने के लिए रखा हुआ है हरा धनिया जी। अभी ये पकाने से पनीर के अंदर सारा जो रस है वो चला जाता है, दोनों एक हो जाते हैं और उसके बाद हमारी डिश जो है वो तैयार हो जाती है। या अभी आप देख रहे हैं कि दोनों अभी रेडी हो रहे हैं जी। मिर्ची डालना है या ठीक है फिलहाल, तो अगर तीखा चाहिए हो तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। अच्छा, और वैसे ठीक है जी, ठीक है जी। चलो ये पालक पनीर आपके सामने रेडी हो गया जी। अभी हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। बिल्कुल, तो आप लोग देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया टेस्टी पालक पनीर बनाए है। बिल्कुल, एकदम स्पाइसी स्पाइसी। अगर आपको इसमें थोड़ी सी मिर्ची और डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मिर्ची और नमक दोनों ही अच्छा है, बाकी आप अपने घर में कैसा बनाएंगे आप खुद जान सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें है, आप देख रहे पनीर भी है, सिर्फ पालक नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन पनीर भी दिखाई दे रहा है। ऐसा ना हो कि सिर्फ पालक पालक दिखाई दे और पनीर नहीं दिखाई दे। तो ये आप देख रहे पालक पनीर की सब्जी बन गई। अभी जब परोसना है आपको तो जैसे हम और डिश में डालते हैं इसी तरह सिर्फ इसको धनिया हमने धुलाई करके रखा है जी। सिर्फ इसको ऐसा हम ऊपर से डाल देंगे। तो जब आप इसको परसोंगे, जब मेहमान बैठे होंगे, आप जब लेके जाएंगे आपका पालक पनीर तो रेडी है। बहुत अच्छी तरह से हमारी ये जो डिश है ये तैयार हुई है, दर्शकों के लिए परोसी गई है, आप इसको खा सकते हैं। आपने ये पालक पनीर की जो डिश बनाई इसमें आपने कुछ ये तो नहीं बोल सकती कि बहुत अलग, लेकिन एक बात जरूर बताई कि इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं और बिना फ्राई बिना कच्चे भी डाल सकते हैं, टेस्ट के अनुसार हम इसको फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर पनीर आपका अच्छी तरह से नहीं पका है, पीस नहीं हुई है तो वो घुल जाएगा। हाँ, वो पालक पनीर अगर फ्राई करके डाल दे तो वो घुलेगा घुलेगा नहीं। तो आपने अपने आप बनाया ये पनीर? ये पनीर तो आपने हमने यही आपने बनाया हुआ है किचन में, हम आपको भी बना के दिखाएंगे कैसे उसको फाड़ते हैं। जी जी जी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर का जो पनीर होता है बहुत हार्ड होता है, उसको फ्रिज में रखते हैं, इससे बेहतर है आपने घर में आप फाड़ दीजिए। और हमने फाड़ने के बाद तुरंत ये एक दो घंटे के बाद ही तैयार हो जाता है जी। इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर रखते हैं हम आपको बना के दिखाएंगे जी जरूर। और इस तरह से आप अपने घर में पनीर फाड़िए दूध लाके, वो सबसे बेस्ट। उसको बनाने के बाद फिर आप तल के आप इसमें पालक पनीर के एक रेसिपी। और पालक पनीर इसलिए शरीर के लिए अच्छा है कि इसमें विटामिन ज्यादा होते हैं जी। तो टमाटर पनीर के बजाय पालक पनीर लोग ज्यादा पसंद करते हैं जी। आपने के मुंह से अचानक से निकला टमाटर पनीर। हाँ जी, वो भी शायद आपको बनाने वो भी आता हम है? बना के देंगे, मटर पनीर बनाएंगे, शाही पनीर भी बनाएंगे जी जी जी। चार पांच प्रकार के पनीर की सब्जी वो भी हम अपने दर्शकों को बिल्कुल जरूर बना के दिखाएंगे जी। आप इसके बारे में दो शब्द कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए परिवार के लिए किस तरह से लाभदायक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि पालक के अंदर एक तो लोहा होता है विटामिन में जी। जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, पनीर के अंदर कैल्शियम होता है, इसलिए जब आपकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है या कहीं आप गिर जाते हैं तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि थोड़ा कैल्शियम की जरूरत है। तो उस समय पनीर का पीस जी। आप शेक के हल्की सी काली नमक मिर्ची डाल के पेशेंट को भी दे सकते हैं। तो ये बहुत मतलब स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य वर्धक जो कहेंगे बहुत अच्छी सब्जी है। और इसको आप हफ्ते में एक दो दिन खा सकते हो।
अपने घरों के अंदर बना के जी, खा सकते हैं। बिल्कुल, आपने पालक पनीर बनाकर इसकी सामग्री भी बताया हमको कि किस मात्रा में डालनी चाहिए। आप हमारे इस अन्नपूर्णा रसोई में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी जी। मित्रों, आज हमने सीखा पालक पनीर। पालक पनीर में कितनी कितनी सामग्री चाहिए ये आप पूरी ध्यान पूर्वक देखते रहिए, हमें बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, इसलिए क्योंकि हमको बताना अच्छा भी नहीं लगता और आपको सुनना भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी इतना बता देती हूँ, जो भी चीज आप अपनी रेसिपी में डालेंगे मात्रा अनुसार डालें। और आपको हमारे शेफ से ज्यादा कुछ अच्छी चीज बनाने आती है, आप हमारे इस नीचे कॉन्टेक्ट नंबर में अपनी रेसिपी बता सकते हैं। कृपया करके ये कॉन्टेक्ट नंबर नोट कीजिए। अगली कड़ी में आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।